I just love this song. मामू से कहो तुम्हें किसी होटल में जॉब लगवा दें, वहां सारा दिन ये साउंड सुनते रहना। ये पकड़ो, बाकी की रोटियां खुद बना लेना। रोटी अच्छी बनाई। जी दादी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, तुमसे दो घड़ी बात करने को दिल चाह रहा था। हुकुम दादी। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। अच्छा फिर बैठो। जी दादी। बिजनेस ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआ साथ है तो फिर रुकावट कैसी दादी? मैं तो तुम लोगों के लिए हर वक्त दुआएं करती हूँ, और खास तौर पे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी दादी की जान तुम्हारे अंदर बंद है। जी दादी, जानता हूँ। मैं तो हर वक्त तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। ठीक सोचा है ना मैंने? मैं क्या कह सकता हूँ दादी, ये फैसले तो बड़ों को ही करने होते हैं। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम सैफ की तरह जज्बाती नहीं हो, और तुम्हें इस बात का भी एहसास है कि कोई तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता। सैफ ना समझ है ना दादी, इसलिए मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी कि वो थोड़ा ध्यान घर और अपनी जिम्मेदारियों पर भी दे। एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? जी पूछे। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मेरा मतलब है कि आजकल लड़के साथ काम करने वाली लड़कियों ही को पसंद कर लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो हमारे खानदान में जचेगी भी या नहीं। नहीं दादी, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। तो मैं ये समझ लूं कि तुमने लड़की पसंद करने का इख्तियार हमें दे दिया है? जी बिल्कुल। लेकिन दादी, एक रिक्वेस्ट मुझे भी करनी है आपसे। हाँ बोलो। मेरे लिए किसी भी लड़की के बारे में फैसला करते हुए ये जरूर ख्याल रखिएगा कि वो मेरी हम मिजाज हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू दादी, चलता हूँ। खुदा। जरीन। जी अम्मी। ड्राइवर को फोन कर दो कि वो मेरी ब्लड रिपोर्ट ले आता है लेबोरेटरी से। मैं सैफ को भेज देती हूँ, वो ले आता है। कोई जरूरत नहीं बीबी, मैं किसी से अपना काम नहीं कहती। जाने कब अगला इनकार कर दे और मैं खुद को कोसती रह जाऊँ कि मैंने कहा ही क्यों था। अम्मी आप ऐसा मत सोचा करें, किसी की जरूरत नहीं आपको इनकार करने की इस घर में। मैं अभी सैफ को भेजती हूँ। एहसान सैफ को भेजती हूँ। सैफ। मामा आए, बैठे। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, इसको तो तुम टेबल पे रखो और जाके अम्मी की रिपोर्ट्स ले आओ लैब से। मामा प्लीज, थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर लेने दे, शाम में ले आऊंगा। तो सैफ बेटा, प्रैक्टिस भी तो शाम में हो सकती है ना? तो रिपोर्ट्स भी तो शाम में आ सकती हैं। ठीक है, मैं वलीद से कह देती हूँ। मामा यकीन जाने, दादी अम्मा का हर काम वक्त पर भी हो जाए ना, तो उन्होंने एटलीस्ट मुझसे खुश नहीं होना। बेटा वो तुमसे खुश हो या ना हो, लेकिन उनका काम वक्त पे करना तुम्हारा फर्ज है। ओके, जाता हूँ। शाबाश। लकी हैं जो ऐसी हालत में भी किसी सीवियर सिचुएशन से महफूज हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रीटमेंट में किसी किस्म की भी कोताही की तो ये आपकी खुद के साथ दुश्मनी होगी। बेटा, जिंदगी से किसे प्यार नहीं होता? मैं तो वही करती हूँ जो तुम लोग बताती हो। एक बात कहूँ, आप मेरे मेडिकल करियर की अब तक सबसे इजी पेशेंट हैं। इजी पेशेंट? मैं समझी नहीं।
मुझे तो इतनी बड़ी मोजी बीमारी अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है, और डॉक्टर साहब आप कह रही है कि मैं इजी पेशेंट। मैं समझाती हूँ आपको, अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करे तो पेशेंट अपनी बीमारी के खिलाफ आधी लड़ाई तो अपनी विल पावर से ही जीत लेता है। बेटा, अल्लाह ने जितनी सांसें लिखी हैं, उन सांसों को लेके इंसान को जीना तो है, पर विल पावर भी तो अल्लाह ही देता है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बदर। हाँ ठीक हो? क्या सही सही बताओ, क्या सरप्राइज है, अभी बता दो ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लड़कियों, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या बाबा आ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? बता दिया होगा पहले ही फोन करके। हाँ नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया था। कब आ रहे हैं? 2 दिन बाद फ्लाइट है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है शर्मीन। कैसी गड़बड़? ये जो अचानक आने का प्रोग्राम बना लिया है, लगता है कोई खास वजह है। और बदर के लहजे से भी लग रहा था कि बहुत खुश है। घर आने की खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा तुम, खैरियत तो है, यहाँ कैसे? जी मैं यहाँ एक काम से आया था। आप खैरियत से? हाँ बेटा खैरियत ही समझो, मैं भी किसी काम से ही आई थी। अच्छा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैंने टैक्सी रुकवा रखी है। और वैसे भी अगर मैं रोज रोज तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारी गाड़ी समझेगी, बड़ी भी बहुत फ्री होती जा रही है। तो ये वो तुम्हारा नाम क्या है? सैफ। सैफ, अगर तुम लोगों की खुशियों का बायस बनो तो ये नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप भी तो बताए ना अपने बारे में कुछ। अपने बारे में? हम इस उम्र में एक ही तारुफ है, जिंदों में शुमार। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या सरप्राइज हो सकता है? हो सकता है टायर बिजनेस पाकिस्तान में मूव कर रहे हो। दिमाग चल गया है उसका, वहाँ रहकर गुजारा मुश्किल से हो रहा है, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो कैसे सारा निजाम चलेगा? खैर अम्मी अब ऐसी बात भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उन लोगों का। ये तो मैं जानती हूँ ना, तुम्हारे बाप की कमाई से कैसे घर चलाती हूँ, तुम लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है ना। तो अम्मी की भी समझ नहीं आती, खुशी की बात हो तो भी मूड ऑफ कर लेती। वैसे बाबा का इन दिनों में आ जाना मेरे हक में जाता है। क्या मतलब? सुहेल वाला मामला अगर बाबा के सामने उठा तो वो मेरी ही हिमायत करेंगे। हिमायत जरूर करेंगे, लेकिन अम्मी ने बाबा की एक बात नहीं सुन ली है। सुननी तो उन्हें पड़ेगी मेरी, आखिर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। अगर वो अपनी जिद और बात की पक्की हैं, तो मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जी अम्मा। जानती हूँ मैं कि तुम बहुत मसरूफ रहते हो, लेकिन घर भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अम्मा मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब इनकार किया? वैसे तो ये काम माओं के होते हैं, लेकिन जरीन पता नहीं इसमें कब दिलचस्पी लेगी। अम्मा आप जो कहना चाहती है ना, प्लीज खुल के बात कीजिए। देखो भाई, मैं ये चाहती हूँ कि अब वलीद की शादी हो जाए, इस घर में भी तो खुशी आए। तो बहुत अच्छा सोचा आपने, तो बस फिर इस बात में देर नहीं होनी चाहिए।
शर्मीन से ज्यादा अच्छा रिश्ता और कौन सा मिलेगा वलीद को? जी अम्मा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वलीद की मर्जी जान लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो दौर थोड़ी है कि बड़े फैसला करें और बच्चे सर झुका दें। वैसे हमारा वलीद बहुत समझदार है, मैंने उससे पूछा था। तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है अम्मा, बदर भाई की वापसी पर हम बाकायदा रिश्ते की बात कर लेते। खुश रहो। मामा। हाँ हनी, क्या बात है? पापा और दादू ने तो फैसला भी कर लिया। कैसा फैसला? शर्मीन और वलीद भाई की शादी का। और वलीद भाई भी राजी है। तुमसे किसने कहा ये? मैंने खुद सुना है, दादू पापा को बता रही थी और वलीद भाई से उनकी मर्जी भी पूछ ली उन्होंने। मुझे लगता है मैं दादू को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन हानी इस बात का भी जिक्र तुम किसी से मत करना। मैं, लेकिन अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो वलीद भाई को समझाएंगे कैसे? हानी बेटा, वलीद को कुछ भी समझाना घर में एक नया तूफान खड़ा करने के बराबर होगा। तुम प्लीज वलीद से कुछ मत कहना। अगर हम बात नहीं करेंगे वलीद भाई से तो शर्मीन की शक्ल में जो तूफान इस घर में आएगा ना, वो कम नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि वलीद इस मामले में हाथ करेगा। तो क्या दादू ने झूठ बोला है पापा से? बुरी बात हानी। आपसे वलीद की शादी की बात की होगी? हाँ, बताना तुम्हारा फर्ज। तुम माँ, तुमने तो सोचा भी नहीं। मैंने तो इस बारे में कितनी बार आपसे बात करने का सोचा भी। सिर्फ सोचा ही? वो कहो जो कहना है। मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि कोई फैसला करने से पहले आप अगर वलीद की मर्जी पे। अम्मा ने पूछ लिया वलीद से, तो उसे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप एक बार उसे पूछ लेते तो वो खुश होगा। तुम्हारा मतलब है कि अम्मा गलत कह रही हैं? नहीं सरमत, मेरा ये मतलब नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे सब मतलब, अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी मैं वलीद से पूछ लूंगा, मुझे पूरा यकीन है उसे कोई एतराज नहीं होगा। वो तुम्हारी तरह नहीं, हाँ एतराज होगा तो सिर्फ तुम्हें, शर्मीन से वलीद की शादी पर, क्योंकि मेरी बहन सलमा और उसका घर शुरू से तुम्हारी आंख में खटकता है। मैं तो सिर्फ वलीद की खुशी चाहती हूँ। ओ, और जैसे मुझे तो उसकी खुशी का कोई ख्याल ही नहीं। बाप हूं मैं उसका। खाला जी, रोज ये एल्बम देख देख के आपका जी नहीं भरता? भला अपने बच्चों की तस्वीरें देखने से भी किसी का दिल भर सकता है पगली? ऐसी औलाद का क्या फायदा जिसकी तस्वीरें देख के खुश होना पड़े?
इंसान तो चाहता है कि वो अपनी औलाद को नजरों के सामने देखे। अब बताएं कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, गलत तो नहीं कहा तुमने, लेकिन जिसको तुम गलत कहना चाह रही हो शायद वो भी गलत नहीं है। वो कैसे जी? मैं ये कह रही हूँ कि आपके कौन से 8-10 बच्चे? वो मैं क्या कह रही थी आपसे? तुम कुछ नहीं कह रही थी, जाके देखो कौन आया है। अच्छा जी, जी किससे मिलना है आपको? जी यहाँ जो एक बड़ी ग्रेसफुल खातून रहती है उन्हीं से मिलना है मुझे। क्यों मिलना है, क्या लगता है आप उनके? मैं उनका दोस्त हूँ जी। देखिए आप अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दें, आप मुझे उनसे मिलवा दें जी। अच्छा आप अंदर आइए, बुलाती हूँ। दोस्त है? मेरा दोस्त? अरे तुमने न जाने किसको घर में घुसा लिया। तुम? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? जीते रहो जीते रहो। भाई रज्जू ने तो कहा आपके कोई दोस्त आए। कसम से मैं तो घबरा ही गई कि न जाने किसको इसने घर में घुसा लिया। इन्होंने जो कहा मुझे वही मैंने बोल दिया। अच्छा देखो मेहमान आए हैं, कुछ जूस वूस लेकर आओ। है आओ बैठो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए। अब जरा बीमारी के बाद सांस काबू में नहीं रहा है। आए आए आओ बैठो। आए आए तुम्हें सरमद ने बताया तो होगा जरील कि आजकल हम किस बारे में सोच रहे हैं। किस बारे में? अम्मी वलीद की शादी के बारे में। और किस बारे में सोचना है? सलमा बता रही थी कि शर्मीन के बहुत रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि हरगिज किसी को घर में आने मत देना। घर की बेटी है भला बाहर क्यों जाए। Okay.